हाय फ्रेंड दिस इज रिथ फ्राम कैटलिस क्लास सो इन दिस वीडियो में हम लोग रियल नंबर के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे सो व्हाट इज द रियल नंबर ओके एंड व्हाट आर द लाइक कैटेगरीज अंडर रियल नंबर्स, ओके हाउ इट विल डिवाइड और कितने पार्ट में डिवाइड होते हैं और इन डेप्थ डू द एनालिस ठीक है कि इंटीजियर क्या होता है होल नंबर क्या होता है रेशनल नंबर क्या होता है ओके एंड निगेटिव नंबर क्या होता है पॉजिटिव नंबर क्या होता है नेचुरल नंबर क्या होता है सो ऑल दोज थिंग्स यू विल अंडरस्टैंड बाई दिस फिगर इट सेल्फ सो इफ यू रिमेंबर दिस फिगर इन यूर माइंड ओके बहुत ही ईजी होगा ओके okay, किसी भी एग्जाम में ओके क्वेश्चन सॉल्व करने में ओके रिलेटेड टू द रियल नंबर जितने भी क्वेश्चन आएंगे बिकॉज रियल नंबर एक ऐसा चैप्टर है जिसको आपको अंडरस्टैंड करना ही है फॉर फर्दर स्टडी बिकॉज हर जगह नंबर का यूज होता है ओके एंड इन डेप्थ ओके अगर आप अंडरस्टैंड कर गए रियल नंबर सो आप नंबर सिस्टम में नंबर में ओके okay, बहुत ही इजीली क्वेश्चन को ओके okay, रिलेट कर सकते हैं और इजीली सॉल्व कर सकते हैं सो so हम लोग एक एक करके देखेंगे सो रियल नंबर वो नंबर है जो नंबर लाइन पे जितने भी नंबर ड्रा होते हैं लाइक माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी ओके जितने भी नंबर हो सकते हैं दो नंबर कॉल द रियल नंबर ओके

दैट इज कॉल्ड द रियल नंबर रियल नंबर को हम लोग रिप्रजेंट करते हैं आर से ओके सो नाउ हियर टिल हियर इट्स क्लियर एंड आफ्टर दैट रियल नंबर हम लोग देखेंगे कितने पार्ट में डिवाइड है सो रियल नंबर डिवाइड है दो पार्ट में फर्स्ट इज द रेशनल नंबर एंड सेकेंड इज देशनल नंबर ओके सो वी विल अंडरस्टैंड दट इज द रेशनल नंबर सो रीजनल नंबर क्या होता है सो रिजनल नंबर इज नथिंग बट द नंबर जिसको हम लोग ए बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं और पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं ओके सो एनी नंबर दैट कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ ए बाई बी वेयर बी इज़ नॉट इक्वल टू जीरो सच रेशियो और फ्रैक्शन कैन बी एक्सप्रेस एज ए टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। ओके सो जो भी नंबर है ए बाई बी के फॉर्मेट में लिखा जाता है एंड बी शुड नॉट बी जीरो ओके वेयर ए एंड बी आर इंटीजर ए एंड बी इंटीजर है ओके सो दीज नंबर्स आर कॉल्ड द रेशनल नंबर एंड ओके टर्मिनेटिंग आर रिपीटिंग डेसिमल नंबर सो टर्मिनेटिंग मीन्स क्या हुआ लाइक पॉइंट सिक्स टू फाइव ओके ये यहाँ पे टर्मिनेट हो गया फाइव के बाद उसके बाद नहीं जा रहा है राइट सो दिस इज कॉल्ड दिस काइंड ऑफ नंबर इज आल्सो कॉल्ड द रेशनल नंबर रिपीटिंग डेसीमल नंबर नाउ विल अंडरस्टैंड वॉट इज द रिपीटिंग डेसिमल नंबर लाइक कोई नंबर ए बाई बी किया लाइक है ना वन बाई थ्री किया सो वन बाई थ्री इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए बाई बी टर्म्स ओके वेयर बी इज़ नाट इक्ल टू जीरो दैट मीन्स थ्री जीरो नहीं है सो वन बाई थ्री को अगर हम लोग वन में थ्री से डिवाइड करें तो क्या होगा पॉइंट थ्री 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 इट विल गो टू इन्फिनिटी इट्स नेवर एंडिंग ओके वी सी की एक्जैक्ट वॉट इज द नंबर ऑफ वन बाई थ्री डेसिमल नंबर ऑफ वन बाई थ्री ओके सो दिस इज द नॉन ओके नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग मतलब टर्मिनेट नहीं हो रहा है खत्म नहीं हो रहा है ये नंबर जस्ट डिवाइड होते जा रहा है पॉइंट थ्री 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 ओके एंड रिपीटिंग डेसिमल सो नॉन टर्मिनेटिंग है एंड रिपीटिंग भी ओके सो नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब हो गया कि टर्मिनेट नहीं हो रहा है ये नंबर रिपीट जा रहा है रिपीटिंग का मतलब होता है कि ये पॉइंट थ्री जो है थ्री जो है थ्री पॉइंट के बाद थ्री जो है रिपीट होता जा रहा है ओके इन्फिनिटी टाइप रिपीट होता जा रहा है सो so, हम लोग थ्री पॉइंट्स यहाँ पे अंडरस्टैंड किए सो एनी नंबर लाइक एनी टू नंबर्स लाइक ए एंड बी जिसको हम लोग ए बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं जहाँ पे बी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो ओके सच रेशियो और फ्रैक्शन कैन बी एक्सप्रेस आइदर वो टर्मिनेट हो जाए लाइक मैंने लिखा वन बाई टू ओके सो वन बाई टू इज क्या इक्विवेलेंट एन टू पॉइंट फाइव अगर मैंने लिखा वन बाई टू वन बाई टू का मतलब होता है पॉइंट फाइव सो पॉइंट फाइव इज़ यहाँ पे पॉइंट फाइव के बाद टर्मिनेट हो जा रहा है उसके बाद ना हमें डिवाइड करने की जरूरत नहीं है सो दिस इज़ कॉल्ड द टर्मिनेटिंग ओके एंड आई हैव टेकन द एग्जाम्पल बाई थ्री वन बाई थ्री अगेन पॉइंट थ्री 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 दैट इज द इट वील बी नॉन टर्मिनेटिंग ओके एंड रिपीटिंग थ्री इज गेटिंग नंबर आर यू कैन सी इट लाइक जीरो हाउच ट्वेंटी फाइव इज द रेशनल नंबर सी ट्वेंटी फाइव को भी हम लोग ए बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं ट्वेंटी फाइव बाई वन ओके सो ए बाई बी के फॉर्म में हो गया फाइन सो so, इसलिए ये भी रेशनल नंबर है माइनस सिक्स सो माइनस सिक्स का मतलब होता है माइनस सिक्स बाई वन ओके सो दिस इज ऑल्सो द रेशनल नंबर पॉइंट थ्री 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 दिस इज ऑल्सो द रेशनल नंबर थ्री बाई फोर दिस इज द रेशनल नंबर बिकॉज ए बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं फॉर मोर लाइक वी कैन सी द अंडर स्कोर हंड्रेड अंडर स्कोर हंड्रेड को भी टेन लिख सकते हैं राइट सो टेन इज द रेशनल बिकॉज ए बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं टेन को सो टेन इज नथिंग बट टेन बाई वन ओके थर्टीन बाई टेन इज पॉइंट वन थ्री पॉइंट वन पॉइंट थ्री ओके सो दिस इज कॉल्ड द रेशनल नंबर ओके नाउ यी देशनल नंबर की क्या डेफिनेशन होती है ओके so all the number that are not the rational number are called the irrational number and irrational number cannot be expressed in as a fraction okay irrational number cannot be expressed as a fraction but regional number can be expressed as a fraction fraction like a by b okay so rational number can be expressed as a, a by b okay but irrational number cannot be write एज ए ए बाई बी कैन नाट राइट लाइक ए बाई बी ओके एंड वनली द नॉन रिपीटिंग नंबर ओके एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल सो रेशनल नंबर वो होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग मतलब लाइक आफ्टर डेसिमल जो टर्मिनेट नहीं होंगे ओके okay? टर्मिनेट नहीं होंगे लाइक like, वो कंटिन्यूस चलते रहेंगे ठीक है लाइक पॉइंट टू थ्री फोर थ्री टू फाइव सिक्स टू थ्री ओके एंड इट विल गो अप टू सोन, ओके सो वाट वी आर गेटिंग ईयर आफ्टर डिसमल वी आर गेटिंग टू थ्री फोर मतलब कहीं पे भी हमारे पास जो है रिपीटेड सिक्वेंस हमें नहीं मिल रहा है ठीक है ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है टर्मिनेट नहीं हो रहा है कहीं पर जाकर के एंड नॉन रिपीटिंग आल्सो कहीं पे रिपीट नहीं हो रहा है ये कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है लाइक टू थ्री रिपीट हो जाए टू थ्री टू थ्री टू थ्री ऐसे आ जाए तो उसे बोलेंगे कि रिपीटिंग टर्क ठीक है सो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर डेसिमल नंबर ओके डेसिमल नंबर इज कॉल्ड द नॉन लाइक वी कैन से द इरेशनल नंबर सो रेशनल नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से इरेशनल नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बार से ओके सो फॉर एग्जाम्पल इरेशनल नंबर इज अंडर स्कोर टू माइनस अंडर स्कोर टू ओके क्यूब रूट ऑफ थ्री फाइव माइनस ऑल्सो क्यूब रूट ऑफ फाइव अंडर स्कोर ट्वेंटी वन ओके एंड देन हंड्रेड वन पाई ओके ऑल दोज नंबर्स दैट कैन बी नॉट रिटन इन द फॉर्म ऑफ द पी बाई क्यू

ओके, सो पॉजिटिव एंड नेगेटिव नॉन फ्रैक्शन रेशनल नंबर कम अंडर द इंटीजर नंबर ओके अ कंप्लीट नंबर हो बट नॉन इंटीजर रेशनल नंबर क्या होते हैं जो कि फ्रैक्शन टर्म में होते हैं लाइक वन बाई टू वन बाई टू इज़ नथिंग बट पॉइंट फाइव ओके नाइन बाई इलेवन पॉइंट एट वन एट वन एट वन ओके सच काइंड ऑफ नंबर इज़ नॉन इंटीजर रेशनल नंबर है बट नॉन इंटीजर हैं ओके एंड वन इज़ द इंटीजर सो दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारा रेशनल नंबर बन जाता है ओके okay? सो so, और इंटीजर को हम लोग जेट से रिप्रेजेंट करते हैं नाउल सी इट द इंटीजर ना हाउ इट्स डिवाइडेड सो इंटीजर कैसे डिवाइड हो रहा है फर्दर ओके सो इंटीजर नंबर इज लाइक माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन ओके जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सो कम्प्लीट नंबर जो है वो इंटीजियर होते हैं सो इंटीजियर डिवाइड हो रहा है निगेटिव नंबर में ओके okay? और होल नंबर में टू पार्ट में डिवाइड हो रहा है नेगेटिव नंबर एंड होल नंबर ओके सो नेगेटिव नंबर में क्या हो गया कि माइनस वन माइनस टू सो लेफ़्ट साइड जितना भी इन्फिनिटी तक जाएगा दैट नंबर माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव ओके अप माइनस इन्फिनिटी तक सो दैट इज़ कॉल्ड द नेगेटिव नंबर ओके नेगेटिव इंटीजर होल नंबर क्या होल नंबर ज़ीरो से स्टार्ट करो ओके राइट साइड में चले जाओ ओके okay? नंबर ऑल द नंबर आर कॉल्ड द होल नंबर सो ऑल द पॉजिटिव नंबर इंटीजियर इंक्लूडिंग जीरो इज द होल नंबर सिंपल सा डेफिनेशन जीरो वन टू थ्री फोर फाइव अप टू इन्फिनटी सो अगेन होल नंबर होल नंबर को हम लोग है ना प्रजेंट करते हैं डब्ल्यू सेम सो अगेन होल नंबर इज डिवाइडेड इन टू टू पार्ट वन इज द जीरो ओके दट्स ए स्पेसिफिक जीरो वन पार्ट एंड अदर पार्ट इज अदर दैन जीरो इज कॉल्ड द ओके ऑल द पॉजिटिव नंबर अदर दैन जीरो इज़ कॉल्ड द नेचुरल नंबर ओके सो दैट्स दैट वी से द एनी नंबर दैट इज़ यूज इज द काउंटिंग लाइक इज अ टू स्टूडेंट थ्री स्टूडेंट फाइव स्टूडेंट वन स्टूडेंट ओके सो सच नंबर आर कॉल था हम लोग नेगेटिव में नहीं करते सो पॉजिटिव ओनली पॉजिटिव जीरो भी काउंट नहीं करते काउंटिंग में कभी जीरो काउंट नहीं होता है राइट समथिंग जीरो स्टूडेंट सो सो लाइक नेचुरल नंबर इज द स्टार्ट फ्रॉम वन अप टू पॉजिटिव साइड एनी नंबर ठीक है सो वन टू थ्री फोर फाइव सो दिस इज़ ऑल अबाउट द रियल नंबर्स रियल नंबर्स ओके सो हमने देखा कि रियल नंबर क्या होते हैं इट्स अ कम्प्लीट सेट ऑफ द नंबर्स दैट इज़ मतलब सभी नंबर रियल नंबर में आ जाते हैं फिर रियल नंबर से हमने देखा कि एक पार्ट जो है रेशनल नंबर में हो जाता है ठीक है और दूसरा पार्ट डिवाइड हो जाता है इरेशनल नंबर में ओके okay, सो so, रेशनल नंबर में वो नंबर आ जाते हैं जो कि ना ए बाई बी के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं वेयर बी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो एंड फ्रैक्शन कैन बी एक्सप्रेस एज ए टर्मिनेटिंग तो जो भी ए बाई बी जो भी फ्रैक्शन आएगा डिवाइड करने के बाद आएगा वो टर्मिनेटिंग होगा आर ओके आर नॉन टर्मिनेटिंग होगा सी वन पार्टी इज़ टर्मिनेटिंग हो जाएगा टर्मिनेट हो जाएगा आर नॉन टर्मिनेटिंग होगा एंड रिपीटिंग होगा सो नॉन टर्मिनेटिंग होगा और रिपीट होता जाएगा ओके okay, तो so हमने एग्जाम्पल देखा वन बाई थ्री पॉइंट थ्री 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 सो आफ्टर देशमल थ्री इज गेटिंग रिपीट एंड दैट्स कहीं पे टर्मिनेट नहीं हो रहा है कहीं पे एंड नहीं हो रहा है मतलब इन्फिटी तक ये डिवीज़न चलता जा रहा है ठीक है सो दिस इज़ ऑल अबाउट द रेशनल नंबर देन हमने अंडरस्टैंड किया कि इरेसनल नंबर क्या होते हैं तो सिंपल डेफिनेशन है कि जो नंबर रेशनल नहीं है वो इरेशनल नंबर में आ जाते हैं ओके सो इरेशनल नंबर इज लाइक है ना पाई हो गया रूट टू हो गया सच नंबर आज इेशनल नंबर है इरेशनल नंबर कैन नॉट बी रेटेन इन द फॉर्म ऑफ द ए बाई बी ओके वेयर ए बी नॉट इक्वल टू जीरो सो इरेशनल नंबर को ए बाई बी के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं ओके दैट्स अ सिंपल सा अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इरेशनल नंबर के ओके नाउ हम लोगों ने देखा कि रेशनल नंबर कैसे डिवाइडेड है टू पार्ट में डिवाइडेड है वन इज़ द नॉन इंटीजर एंड अदर इज द इंटीजर सो जितने भी नॉन इंटीजर फ्रैक्शन वाले नंबर हैं वो नॉन इंटीजर में आ जाते हैं और जितने भी नॉन फ्रैक्शन लाइक फुली नंबर हैं वो इंटीजर में हमारे आ जाते हैं ठीक है सो फुली नंबर लाइक ना माइनस थ्री माइनस टू माइनस फाइव माइनस सिक्स ओके जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन अप टू इन्फिनटी ओके सो दो लाइक कंप्लीट नंबर जो हैं वो इंटीजर में आ गए सो इंटीजर का हम लोग रिप्रेजेंट जेट जेट से करते हैं ओके अगेन वी हैव सीन द फर्दर डिवीजन ऑफ द इंटीजर सो इंटीजर का अगेन डिवीजन क्या है दो पार्ट में स्प्लिट हो रहा है डिवाइड हो रहा है सो so, एक हो गया नेगेटिव नंबर दूसरा हो गया होल नंबर ओके सो नेगेटिव नंबर क्या हुआ कि नेगेटिव लाइक कि माइनस वन से लेकर के लेफ्ट साइड में एनी नंबर दैट्स इंटीजर नंबर इज कॉल्ड द निगेटिव नंबर माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव अप टू इन्फिनिटी दिस इज कॉल्ड द निगेटिव नंबर होल नंबर क्या हुआ जीरो से लेकर के इंक्लूडिंग जीरो से लेकर के आल द पॉजिटिव नंबर अप टू इंफिनिटी साइड ओके सो जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स फाइव हंड्रेड थाउजेंड एंड अपू सो वन ओके दैट इज़ कॉल्ड द होल नंबर हो गया देन दैन होल नंबर आल्सो डिवाइडेड सो जीरो नंबर एक डिवाइड हो गया जीरो सेपरेट हो गया एंड अदर देन जीरो होल नंबर से नेचुरल नंबर हुए तो होल नंबर को हम लोग रिप्रजेंट करते हैं जस्ट डब्लू से भाई डब्लू होल नंबर कैसे रिमंबर करेंगे होल नंबर है तो डब्लू स्टार्ट विथ से हो रहा है होल नंबर सो so, उसको डब्लू से रिप्रेजेंट करते हैं फिर नेचुरल नंबर क्या होता है नेचुरल नंबर लाइक अदर देन जीरो ऑल द पॉजिटिव नंबर ठीक है सो so, ऑल द पॉजिटिव इंटीजर वी कैन से सो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन अप टू एंटेंटी दैट इज कॉल्ड द नेचुरल नंबर एंड उसको रिप्रेजेंट करते हैं एंड से सो दिस इज ऑल अबाउट द रियल नंबर आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल दिस कंसेप्ट ओके एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर फर्दर डिटेल थैंक यू वेरी मच गैस